जेडीयू सारण जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने सोनपुर क्षेत्र में सीटीवी 24 न्यूज चैनल के पत्रकार वीरेंद्र सिंह से बातचीत में कहा कि सोनपुर क्षेत्र में विकास चाहते हैं और इस क्षेत्र में जेडीयू का एमएलए या एमएलसी की उम्मीदवारी चाहते हैं, पर वो रामचरितमानस प्रकरण से अपने आप को अलग रखा और कहा कि इस पर शीर्ष नेतृत्व ही कुछ बोलेंगे। इस प्रकरण को धर्म से जोड़ते हुए कहा कि धार्मिक गुरुओं को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। बिहार ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह का जेडीयू जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू से खास बातचीत की रिपोर्ट। अभी मैं सारण जिला का सोनपुर प्रखंड है और इस सोनपुर प्रखंड का पहलेजा घाट बहुत ही फेमस घाट है। देखिए, ये मैंने जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का यह जयंती समारोह जो 24 जनवरी को होगा, उसके लिए यह जो तैयारी बैठक है ये है। और यहाँ पर जिला के जो अध्यक्ष महोदय जी हैं ये भी आए हुए हैं, अल्ताफ आलम राजू जी। तो आइए मैं अल्ताफ आलम राजू से बात करता हूँ। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन आपको अगर हम लोग यह बजरंग चौक को पैदल चलते बाबू सभा का कार्य तो ज्यादा बढ़िया होगा। और आप कह रहे थे ठंड का मौसम है, नेता को ठंड लगता है जी, ठंड के मौसम हम कैसे जाएंगे। उधर राहुल जी देखिए भारत जल सूर्य यात्रा को चले हुए पैदल चल रहे हैं, अगर आपके पास हुआ आपको तो ठंड लग रहा है। देखिए राहुल जी पूरे और हम लोग भी पद यात्रा किए, लेकिन अभी जो काम इतना मॉर्निंग में हम लोग को जाना है उसमें हम अच्छा के लिए जाए कि लोगों का बुराई हो जाए और शिकायत हो जाए ये हम नहीं चाहते। इसमें हर तरह के लोग जा रहे हैं, उम्र छोटे हैं, कई लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे भी की अभी संख्या है, तो किसको किसको हम लोग पैदल यात्रा देते हैं। सर, आप महिला से बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ जो मीटिंग में मात्र सोनपुर प्रखंड से मात्र एक महिला आई हुई है और नीतीश जी बोलते हैं कि हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए काम करेंगे, महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देंगे, क्या ऐसे ही भागीदारी मिलेगी आपके मीटिंग में? तो कई देंगे, क्या ऐसे ही भागीदारी मिलेगी आपके मीटिंग में? तो मात्र एक महिला दिखाई दे रही है, कैमरा दिखाइएगा, मात्र एक महिला और भी दिखा लीजिए, कहीं भी महिला नहीं मिलेंगे। क्या नीतीश कुमार की यही महिलाओं की भागीदारी राजनीति में? अब रह गया यह कार्यकर्ताओं की बैठक थी और संगठन को अब प्रारूप न होगा, संगठन में जब जोड़ा जाएगा महिलाओं को फिर नए स्वरूप में महिलाओं की संख्या अधिक होगी। इसके बाद जब आप देखिएगा सोनपुर में तो महिलाओं की संख्या अधिक होगी। सर, आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप तीसरी बार यहाँ का जिला अध्यक्ष बने, लेकिन जब ये चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक तरीके के जरिए शैक्षिक जनता भवन में जब इसका मीटिंग क्या मतलब चुनावी माहौल था, चुनाव देने के वोट देने के लिए लोग हुए थे, लेकिन वहाँ पर वो हंगामा हो गया, आम जो कार्यकर्ता थे उनकी बात को नहीं सुना गया और कुछ ही दिन के बाद फरमान जारी हुआ कि माननीय अल्ताफ जी यहाँ के जिला अध्यक्ष बन गए। तो क्या जदयू में लोकतांत्रिक तरीका का प्रयोग किया जा रहा है? ये लोकतांत्रिक का ही पहचान है, जो आपने देखा कि इतना हूड़ हल्ला हुआ,
जब परिवार बड़ा होता है तो सबकी उम्मीदें जग जाती है, वो कार्यकर्ता भी सोचता है कि हम ही जिला अध्यक्ष बन जाए और सभी के अंदर लक्ष्य होता है। बहुत सारे उम्मीदवार थे, चुनाव वहाँ एक आदमी पर सहमति बना, 18 नॉमिनेशन हुआ, 18 नॉमिनेशन करवा देते ना, नहीं तो वोटिंग का तो प्रोसेस था ही, लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ 18 को और पहले आम सहमति वहाँ के माननीय लोग और जितने नामांकन किए थे सभी साथियों को जिला में बैठाया गया था और वहाँ नामांकन द्वारा जब सहमति नहीं बनी तब यह माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ गया। और मैं आपको एक चीज जरूर कहूँगा कि मुझे प्रभार मिला था सिवान, मैं सिवान चुनाव करा रहा था और छपरा जिले के चुनाव करा रहे थे, यह बात उनसे पूछा जाए कि क्या कंडीशन में क्यों, यानी आपको लॉलीपॉप मिल गया, आपके सिवान में से छपरा का लॉलीपॉप मिल गया? नहीं, लॉलीपॉप नहीं मिला, मैं पहले भी बोला हूँ पता नहीं क्या आशीर्वाद छपरा के लोगों ने हमको दे दिया, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, माँ बहनों का प्यार, सभी लोगों का प्यार मुझे मिल जाता है। और मैं तो कुल्हनी में चुनाव में कंपेनिंग में था, कुल्हनी विधानसभा में वहाँ चुनाव कंपेनिंग करा था, प्रदेश से मुझे ड्यूटी मिली थी, जहाँ भी मुझे ड्यूटी लगती है मैं ईमानदारी से करता हूँ। मैं इसके पहले किशनगंज का प्रभारी भी रहा, उसके बाद सिवान जिला का प्रभारी रहा, कुल्हनी में मेरी ड्यूटी लगी, उसके बाद जब यहाँ चुनावी है चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सभी लोगों से मुझे प्यार है और सभी लोग मुझे आशीर्वाद के रूप में चलते हैं और संगठन को मजबूत देकर मैं सारा निकाय में आने वाला 2024 और 2025 का जो विजन है मैं आपको दिखाऊंगा कि सारण में तमाम सीट जनता दल यू महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। यह मेरा सर सारण में ये सोलपुर आता है और सोलपुर से आज करें तो पहले से सोलपुर विधानसभा में या तो सीट बीजेपी को जाता है या तो सीट आरजेडी को जाता है लेकिन जदयू को कभी नहीं जाता है, तो क्या जदयू सोलपुर विधानसभा में भाजपा और आरजेडी का नहीं? देखिए सारण में आज तक जितना काम हुआ जनता दल यू जो कार्यकर्ता है यहाँ बहुत अनमोल मजबूत कार्यकर्ता कार्यकर्ता संगठन के बल पर हम लोग चलते हैं, लेकिन एक साथी ने मांग किया है आज कि यहाँ या तो सीट नहीं मिलती है तो विधान पार्षद एमएलसी का एक जगह मांगा जाए माननीय मुख्यमंत्री से, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं विवाद बोलता हूँ माननीय मुख्यमंत्री की बात भी रखता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की बात एक जिस तरह डाकिया पहुंचाता है पोस्टमैन होकर एक चिट्ठी पहुंचाता है किसी जगह, उसी तरह इनकी बात कार्यकर्ताओं की भावना और जो मांग है कि सोनपुर विधानसभा में एक एमएलसी हो वो अब मैं बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूं। सर अंतिम प्रश्न आपके माननीय नेता और मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा चल रहा है और विरोधी बोल रहे हैं कि नीतीश जी का समाधान तो हो गया, उनको सीएम का कुर्सी चाहिए था, फिर से सीएम का कुर्सी मिल गया, तो फिर ये समाधान यात्रा क्यों निकालेंगे? देखिए क्या चीज का समाधान चाहिए? देखिए समाधान हर चीज का होता है, समाधान का मतलब जानते हैं, समाधान जितना योजना उनका चलता है छूटा होगा किसी का कोई बात है, देखिए होंगे कि आप गरीब तबका के घर में भी जा कर सकते हैं पेंशन मिलता है कि नहीं, कई वो बुढ़िया माई हम लोग को कहते माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे थे पूछ रहे थे पेंशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, पानी समय से मिलता है, शौचालय पर सब योजना के मुख्यमंत्री पूछते जाते हैं। ये जरूरी और कहीं सुन तो लीजिए हमारी बात को, यह जरूरी क्यों पड़ गई कि आपके जो पार्टी के जो आला अधिकारी हैं बड़ी नेता है उनको मार्केट में आना पड़ रहा है, उनको फील्ड में आना पड़ रहा है, आपके जो आम कार्यकर्ता है वो क्या कर रहे हैं, क्या घर पर सोए हैं? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पूछना पड़ रहा है कि आपका राशन कार्ड मिला कि नहीं, वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं, आपको इंदिरा आवास मिला कि नहीं, क्या यह मुख्यमंत्री जी को उस तरह का पूछने का क्या हो सकता है? तो उनके कार्यकर्ता का नहीं करें गरीबों के दर्द को और गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री, गरीब के झोपड़ियों में जाकर पूछते हैं खाए हैं कि नहीं, राशन कार्ड मिला कि नहीं, वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं, आपको इंदिरा आवास मिला कि नहीं, क्या यह मुख्यमंत्री जी को इस तरह का पूछने का क्या उचित है? इसका मतलब उनके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे, गरीबों के आह को गरीबों के दर्द को और गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री गरीब के झोपड़ियों में जाए हैं कि यह मुख्यमंत्री इसलिए बोल रहे हैं सब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी आज यह पहला यात्रा नहीं है समाधान।
का 12वां ये यात्रा कर रहे हैं, कई यात्रा किए, सब में समाधान। और समाधान यात्रा जब नाम है तो सबका समाधान होता रहेगा, इसीलिए समाधान यात्रा कर रहे हैं। और इसके पीछे देखिए माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि पहले दुख सुख अपने घरों को जान लें, तब हम देश में चलेंगे, हम भारत का दौरा करेंगे। और भारत केंद्र सरकार के बुरे रवैये को, हम उसके उसके मंसूबे को हम लोग एक साथ होकर, अन्य जितने लोग हैं अन्य राज्यों में, सब लोगों को एकजुट कर और केंद्र सरकार की जो लड़ाई है, जो गलत नीतियों की लड़ाई है और देश का तोड़ने का जो साजिश चल रहा है, उसके मंसूबे को हम लोग नाकाम होंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पहले समाधान यात्रा बिहार में कर रहे हैं और घर घर घूम रहे हैं कि घर का दिया जलाकर तब हम देश का दिया जलाएंगे। सर आप रामचरित मानस पर कुछ बोलेंगे क्या? देखिए रामचरित मानस पर जो आप कह रहे हैं यह धर्म गुरु के लोगों का बात है, राजनीतिक गुरु के नहीं, लेकिन आपके गठबंधन के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनकी बात है, उन्होंने वक्तव्य दिया है ना। देखिए हम लोग अपने नेता को मानते हैं और नेता के नीतीश को मानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, प्रदेश अध्यक्ष का भी ट्विटर पर आया है बयान, आप देखिए होंगे, हमारे नेता का भी, नीतीश कुमार जी का भी बयान आया है। हम लोग धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोले, अधर्म किसी को आहत होता है, धर्म के बारे में नहीं बोलते। जितनी जानकारी है, जितनी सूझबूझ है, उतना आप काम कीजिए और धर्म गुरुओं के लोगों पर धर्म का बात करने दीजिए। शिक्षा मंत्री ने गलत किया, जो हम कैसे कहेंगे उनका मन में क्या चल रहा है ये हम कैसे जानेंगे, हमारे नेता ने नहीं किया। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि धार्मिक चीज धर्म गुरुओं के पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, सामाजिक लोगों के पास रही, समाज के लोग और काम करेंगे। एक चीज बता दें, आपने बोला कि हमारे नेता ने नहीं किया, क्या आपके नेता है? हमारे गठबंधन में है तो हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी मिल रही है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि तेजस्वी जी भला बुरा और कोई किसी तरह का बात बोलते हैं? कोई जो तो बात नहीं बोलते हैं। दोनों नेता के बीच में और 7 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, ये भी आप जानिए, कांग्रेस भी है, 7 दल मिलाकर सब महागठबंधन बना है, एक नहीं। इसलिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और विकास का रफ्तार बढ़ रहा है नीतीश कुमार के साथ, और सब लोग यह उम्मीद लगाया हुआ है यही बिहार का बेटा जब देश का आगे बढ़ेगा एकजुट करने के लिए, यही बिहार का बेटा। बिहार के तमाम 13 करोड़ जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, 13 करोड़ जनता से मेरा यही अपील होगा कि बिहार के बेटा जो निकल पड़ा है देश का एकजुट करने में केंद्र सरकार के गलत रवैये के ऊपर, उस बिहार के लाल को आप आशीर्वाद दीजिए और मजबूत कीजिए ताकि बिहार का लाल परम आदरणीय नीतीश कुमार लाल किले पर झंडा फहराने का काम करे, यही मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये माननीय अल्ताफ आलम राजू जी जो कि सारण जिला का जिलाध्यक्ष है, ये अभी यह जो पहलेजा घाट है यहाँ पर है, और ये जो 24 जनवरी को बापू सभागार में जो कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया जाएगा उसके लिए यह तैयारी बैठक में आए हुए हैं। और यहाँ की जो कार्यकर्ता है जदयू का और भी जो जदयू माइंडसेट के लोग हैं उनको यह कह रहे हैं कि आप चलिए और जो कर्पूरी ठाकुर का जो सिद्धांत है, उनका जो थीसिस है, उसको आप फॉलो कीजिए। यह तभी संभव है जब जा करके आप अपनी एकजुटता को बापू सभागार में जा करके अपनी एकजुटता को दिखाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन के साथ वृंदा सिंह, सिटी TV 24 न्यूज, दूरदर्शन बिहार।